भूत खतरनाक होते हैं, डरावने होते हैं और कभी कभी जानलेवा भी होते हैं। पर मेरी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। ये कहानी तब शुरू हुई जब कैंपस के प्लेसमेंट में मुझे एक जॉब ऑफर की गई। ये जॉब सॉफ्टवेयर डेवलपर की थी और कंपनी बहुत अच्छी थी और सैलरी भी मुझे बहुत अच्छी मिल रही थी, तो मैंने जॉब को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। पर मेरे लिए मुश्किल ये थी कि मुझे दिल्ली में रहना था और दिल्ली में तो मैं किसी को जानता भी नहीं और ना ही मेरा कोई रिश्तेदार है वहाँ पे, मैं रहूँगा कहाँ पे। इसके लिए मैंने एक रियल एस्टेट एजेंट को हायर किया। उसने मेरे लिए मेट्रो स्टेशन के पास ही एक 1 BHK फ्लैट किराए पे अवेल करा दिया। बहुत अच्छी बात थी, मेरी माँ भी मेरे साथ दिल्ली आने को तैयार हो गई। वो मेरी माँ मेरे साथ 1 महीने तक रहीं और मेरे अपार्टमेंट को मेरे रहने लायक भी बना दिया। 1 महीने बाद मेरी माँ वापस घर चली गईं। अब मैं यहाँ में सुकून से रह रहा था, मुझे यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं थी और बहुत ही बोरिंग लाइफ थी मेरी जो मुझे पसंद थी। मैं अपार्टमेंट से अपने ऑफिस जाता था और ऑफिस से अपार्टमेंट आता था। मुझे घूमना फिरना कुछ खास पसंद नहीं था, इसलिए मैं कहीं नहीं जाता था सिवाय संडे के। संडे को मैं कहीं घूमने निकल जाता था और वापस आ जाता था। बेसिकली अच्छी खासी लाइफ थी मेरी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन एक दिन शनिवार को ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो गई। मेरे साथियों ने प्लान किया कि इस वक्त को थोड़ा एंजॉय करते हैं। हम लोगों ने प्लान करके कुछ बियर्स खरीदे, खाने का सामान लिया और मेरे ही अपार्टमेंट पे आ गए। यहाँ आने पे हम लोगों ने टीवी पे हाई म्यूज़िक बजाया, डांस किया, खाना खाया, बियर पिया और बहुत देर तक बात करते रहे। बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा था उस वक्त। लेकिन मेरे दोस्तों को जाना भी था, वो अपने अपने घर चले गए। हम लोग ज़्यादा नशे में नहीं थे तो कोई दिक्कत भी नहीं थी, लेकिन मैं काफ़ी थक चुका था अब भी। लेकिन ज़मीन पे खाली गंदी प्लेट पड़ी थी, खाली बोतलें थीं और कुछ खाने के पैकेजेस पड़े थे, इन्हें साफ़ भी करना था। फिर दिमाग में ख्याल आया, कल तो संडे है, कल आराम से साफ़ करेंगे, अभी चल के सो जाते हैं। मैंने वैसा ही किया, मैं जाकर सो गया। अगली सुबह नींद खुली तो प्लान करने लगा कि कहाँ आज घूमने निकलें। फिर ख्याल आया कि बाहर गंदी प्लेट्स पड़ी हैं, बहुत गंदगी मची हुई है, चलो पहले उसे ही सफाई करते हैं, फिर उसके बाद फ्रेश होकर निकलते हैं। अब मैं पहली बार अपने फ्लैट में किसी आत्मा को महसूस करने वाला था। जैसे ही मैं हॉल में आया, वाह ये क्या है, पूरा हॉल साफ क्यों है, वो गंदी प्लेट्स कहाँ गईं, वो खाली बॉटलें कहाँ हैं, यहाँ तो बहुत गंदा था, ये साफ़ कैसे हो गया। मैं रसोई की तरफ गया, अब ये तो अजीब था, वो क्रॉकरी प्लेट्स जिस पे कल रात को हमने खाना खाया था वो धुल के साफ़ सुथरी होके डिश रेक में रखी हुई थी, ये कैसे हुआ। इतना भी मैं नशे में नहीं था कि मैंने इन सब को साफ़ किया होगा और फिर भूल भी गया। अब इसके सिर्फ दो ही मतलब हो सकते थे, या तो मेरे सोने के बाद रात में कोई चोर आया जिसने यहाँ चोरी का कोई सामान न पाकर सफाई की होगी, बर्तनों को धोया होगा और उनकी जगह रख कर वो यहाँ से चुपचाप चला गया, और या फिर यहाँ कोई और भी है। ओके, यहाँ कोई भूत नहीं हो सकता, भूत ऐसा नहीं करते हैं, और यहाँ भूत होता ना तो शायद मैं अब तक ज़िंदा भी नहीं होता, फिर कौन है। लेकिन डर तो मुझे फिर भी लग रहा था। मैं जल्दी बाथरूम में गया, नहा धो के बाहर निकला और मंदिर में जाकर अपने ही पूजा स्थल पे मैंने हनुमान जी की पूजा की, हनुमान चालीसा पढ़ा, अगरबत्ती जलाया और भगवान को याद किया। यहाँ भूत नहीं हो सकता, मेरे फ्लैट में मंदिर है यार, यहाँ भूत तो बिल्कुल नहीं होगा, मेरा वहम है। लेकिन फिर भी एक ट्राई करते हैं। मैं अपने बिस्तर पे बैठ गया, आंखें बंद की और धीरे से कहा, अगर यहाँ कोई मेरे सिवा भी है तो कृपया अपने होने का एहसास कराइए। मैं सोच रहा था कि शायद अभी तेज़ हवाएं चलेंगी, बत्तियां तेज़ी से बुझने और जलने लगेंगी और शायद बर्तनें गिरेंगी, पर्दे उड़ने लगेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ कोई भूत नहीं है। मैंने आंखें खोली, ओ ये सामने कौन है। मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी साड़ी में, ये कैसे हुआ, ये अंदर कब आई। मैंने पूछा डरते हुए, आप कौन हैं।
उसने जवाब दिया, मैं विभा हूँ। कौन विभा? यहाँ कब आई? मैं यहीं रहती हूँ। मैंने पूछा, कब से? तुम्हारे आने से बहुत पहले से। अब मेरी हालत खराब। ये कौन है? ये भूत है? नहीं, ये भूत नहीं हो सकती। भूतों के बारे में मैंने पढ़ा है, सुना है। उनकी आंखें डरावनी होती हैं, मुंह में खून लगा होता है। पर ये तो कोई नॉर्मल लड़की लग रही है, ये भूत नहीं हो सकती। मैं मन में सोच ही रहा था कि तभी उसने जवाब दिया, मैं पिछले साल इसी फ्लैट में किराए पे रहती थी। मैंने लव मैरिज की थी। मैं और मेरा पति यहीं रहते थे। पर मेरी ये लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। मेरा पति मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर उसकी असली रूप तो मैंने शादी के बाद देखा। वो मुझे रोज़ मारता था और मारते मारते एक दिन उसने मेरी जान ही ले ली। पुलिस आई, उसे गिरफ्तार करके ले गई। उसके किए की सज़ा तो उसे मिल गई, लेकिन मैं आज भी यहाँ भटक रही हूँ। मैं यहाँ पे ही रहती हूँ और किसी को भी यहाँ रहने नहीं देती। जो भी यहाँ आता था मैं उसे डरा के भगा देती थी, लेकिन मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। जब तुम आए तो मैंने भी यही सोचा कि मैं तुम्हें भी भगा दूँगी, पर तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ थी। मैंने फैसला किया कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं तुम्हें डराऊँगी, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने तुम्हें भगाने का इरादा दिल से निकाल दिया। और उसके खिलाफ मैंने तुम्हें अपना एहसास तक नहीं होने दिया, लेकिन कभी कभी मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करती थी, लेकिन जिसका तुम्हें पता ना चले। पर इस बार तुम्हें मेरा पता चल ही गया। मैं चुपचाप सुन रहा था कि वो क्या कह रही है, पर मुझे डर भी लग रहा था। ये एक आत्मा है मेरे कमरे में, एक आत्मा है, एक भूत, एक डायन। ओह, अब मेरा क्या होगा? फिर उसने कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहे। मैंने तो तुम्हें कभी अपना एहसास तक नहीं होने दिया। तुम घबराओ मत, तुम यहाँ रह सकते हो। मेरे दिल से डर तो कम हो गया, लेकिन मैं अब भी सोच रहा था कि मैं यहाँ रहूँ कैसे, मेरे साथ यहाँ एक भूत है। मैं उठा, दरवाज़े के पास गया, दरवाज़ा खोल के बाहर गया और उससे कहा, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। और मैं दरवाज़ा बंद किया, लॉक किया और मैं तेज़ी से बिल्डिंग से बाहर निकल गया। अब क्या करूँ, मेरे घर में एक भूत है। मैं दिल्ली की सड़कों पर टहल रहा था। रात होने को आई, रात को मैंने खाना बाहर ही खा लिया। वैसे मैं खाना बाहर ही खाता हूँ, मैं घर में कभी कुछ नहीं बनाता। कभी कभी चाय बना लेता हूँ या हल्का फुल्का मैगी बना लेता हूँ, हल्का फुल्का नाश्ता करने के लिए, लेकिन खाना कभी नहीं बनाया और ना ही मेरे पास खाना बनाने का कुछ सामान भी है। अब मैं घर में वापस आया, दरवाज़ा खोला और मैंने कहा, मैं आ गया। फिर मैं दरवाज़ा बंद किया, बिस्तर के पास गया, चारों तरफ देखा, मुझे कोई नज़र नहीं आया। वो यहाँ पे है ये तो मैं समझ गया, पर वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। मैंने टीवी चालू किया, थोड़ी देर टीवी देखता रहा, फिर मुझे एहसास हुआ कि बालकनी के पास वो खड़ी है। मैंने भी देखा, वो वहीं थी, लेकिन मैंने उससे कुछ कहा नहीं इस बार। और चुपचाप लाइट बंद किया, टीवी बंद किया और सो गया। अगली सुबह उठा, फ्रेश होने के बाद तैयार हुआ ऑफिस के लिए, और जैसे ही बाहर आया हॉल में, वहाँ एक कप चाय रखी हुई थी। ओ, मैंने कभी भी अपने फ्लैट में एक कप चाय नहीं पी। हमेशा ये काम सुबह सुबह मैं बाहर ही करता था, पर आज एक चाय रखी हुई है, ये एक आत्मा ने बनाई है। पी लेते हैं, आत्मा बुरा मान जाएगी। ठीक है, मैंने चाय पिया और फिर तुरंत कमरे से बाहर निकला। जब दरवाज़े को बंद करने लगा तो देखा वो सामने खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, मैं जा रहा हूँ। फिर मैंने दरवाज़ा बंद किया और तेज़ी से ऑफिस की तरफ चल पड़ा। और रास्ते में सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा था, ये हुआ क्या आज मेरे साथ? मेरे साथ एक भूत है जिसने मेरे लिए चाय बनाया। अच्छा है कि मेरे पास खाने का सामान नहीं है, वरना वो मेरे लिए खाना भी बनाने लग जाती। और उसने कहा कि वो मेरे छोटी मोटी मदद भी करती है। ओह, अब समझ में आया,
3 महीने हो गए मुझे यहाँ आए और मैंने आज तक झाड़ू भी नहीं लगाया। कमरा और मेरा पूरा अपार्टमेंट इतना साफ क्यों रहता है? ओह, उसी का काम होगा। अब क्या करूँ? मैं ऑफिस गया, लेकिन मैंने ऑफिस में अपने किसी भी दोस्त को उसके बारे में नहीं बताया। अपने घर पे फ़ोन पे बात की, लेकिन मैंने अपने घर पे भी किसी को नहीं बताया। मैं रात को वापस अपने अपार्टमेंट में आया, वो वहाँ नहीं थी, लेकिन उसका एहसास था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगे। अब मुझे वो कभी कभी इधर उधर कमरे में दिख भी जाती थी, कभी बालकनी में खड़ी रहती थी तो कभी दरवाजे के पास, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। और मैं भी उसे कुछ ज़्यादा नहीं कहता था। कमरे से निकलते समय मैं जा रहा हूँ और वापस कमरे में आते समय मैं आ गया। इससे ज़्यादा मैंने कभी उससे कुछ कहा भी नहीं। कभी कभी मेरे लिए चाय बनी रहती थी तो कभी मैं देखता कि मेरे कपड़े धुले हुए हैं और वो इस्त्री करके कबर्ड में रखे हैं, बर्तन भी साफ़ सुथरे हैं। वो ये सारे काम वो कर रही है, पर ये सब होते हुए मैंने कभी देखा नहीं। क्या फ़र्क पड़ता है? अब तो मेरा डर भी जा चुका है, अब तो मुझे जैसे उसकी आदत हो गई है और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है और मैं अब खुश हूँ, लेकिन मुझे ये बात किसी को बतानी भी नहीं है। जैसा है अच्छा है और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, आप जो सुन रहे थे ये एक बहुत ही डरावनी कहानी तो नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच। भूत खतरनाक होते हैं, डरावने होते हैं और कभी कभी जानलेवा भी होते हैं, पर मेरी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। ये कहानी तब शुरू हुई जब कैंपस के प्लेसमेंट में मुझे एक जॉब ऑफर की गई। ये जॉब सॉफ्टवेयर डेवलपर की थी और कंपनी बहुत अच्छी थी और सैलरी भी मुझे बहुत अच्छी मिल रही थी, तो मैंने जॉब को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। पर मेरे लिए मुश्किल ये थी कि मुझे दिल्ली में रहना था और दिल्ली में तो मैं किसी को जानता भी नहीं और ना ही मेरा कोई रिश्तेदार है वहाँ पे, मैं रहूँगा कहाँ पे? इसके लिए मैंने एक रियल इस्टेट एजेंट को हायर किया। उसने मेरे लिए मेट्रो स्टेशन के पास ही एक 1 BHK फ्लैट किराए पर अवेल करा दिया। बहुत अच्छी बात थी, मेरी माँ भी मेरे साथ दिल्ली आने को तैयार हो गई। वो मेरी माँ मेरे साथ 1 महीने तक रहीं और मेरे अपार्टमेंट